प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और इस बार आपको बताना है गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में। वैसे तो दो अलग अलग एपिसोड बनते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज का ये दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं और वो है 16 नवंबर 2020 को, ठीक है? क्योंकि द्वितीय तिथि जो है वो आगे तक नहीं गई है, अगले दिन तृतीय तिथि लग रही है, इसलिए हम भाई दूज भी गोवर्धन पूजा वाले दिन ही मनाएंगे, ठीक है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि भैया दूज और गोवर्धन पूजा, जो हमारे पंच महोत्सव में से आगे के दो लास्ट महोत्सव रह गए हैं, उनका किस प्रकार से हमें विधि विधान के साथ उनको मनाना है और कौन से उनके मुहूर्त हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात गोवर्धन पूजा की है तो वो तो शाम की विधि हम आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करनी है, ठीक है? पहले गोवर्धन पूजा आती है, तो गोवर्धन पूजा की कथा यही है कि भगवान श्रीहरि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपने सारे व्रजवासियों को आंधी तूफान से बचाने के लिए, उस घंघोर वर्षा से बचाने के लिए जो इंद्र जी ने कुपित होकर व्रज में कर दी थी। वो सारी कहानी आप सबको पता है। और कृष्ण जी ने बड़े ही प्रेम से 7 दिनों तक निराहार रहकर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ के हाथ पे रख लिया था, जिसके गड्ढे में आकर फिर सारे ही ब्रजवासी गौओं के साथ, अपने पशुधन के साथ, अपने बच्चों के साथ आकर आराम से 7 दिन तक उस वर्षा से बचे रहे और इस तरीके से उनका रक्षण हुआ। प्रभु ने जो ये प्रेम बरसाया था और उसके बाद प्रभु ने वो पर्वत नीचे रख दिया था। 7 दिन बाद जब वर्षा खत्म हो गई, तूफान वगैरह, इंद्र जी को अपने किए पे पछतावा, उन्होंने क्षमा भी मांगी और प्रभु का नाम गोविंद पड़ा। जो गौओं की रखवाली करते हैं, ऐसे गौओं को वर्धन करते हैं, ऐसे गोविंद। और गोवर्धन पर्वत वो पर्वत जो गौओं को वर्धन करता है, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर गौएं चरती भी थीं और साथ ही वही पर्वत जब बहुत तेज आंधी तूफान आया तो उनको बचाने के लिए, उन गौओं को बचाने के लिए उनके ऊपर छाते की तरह तन गए थे, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है बहुत ज्यादा। और इस पूजा के लिए स्वयं कृष्ण जी ने ही सबको बताया था कि इसकी पूजा करनी चाहिए गोवर्धन पर्वत की। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान स्वयं नारायण हरि ने ही कृष्ण अवतार में रखा है कि इनकी परिक्रमा करनी चाहिए, इन्हें आप भोजन की सामग्री निवेदित करें, पीले वाली मूंग की दाल बनाएं, पूरियां बना लें, खीर बना लें और इसका नैवेद्य चढ़ाएं। ये पर्वत बहुत ही शुभ है, गौओं का वर्धन करता है, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी विधान से आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। आप वृंदावन जाएंगे तो आज भी धूमधाम से लोग पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा में सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो उसमें जो हमारा शाम का मुहूर्त निकल कर आता है, 16 नवंबर को हम गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाएंगे और ये अगले दिन दीपावली के पड़ता है। इसका मुहूर्त है दोपहर को 3:19 पे शुरू होगा और 5:27 तक चलेगा। ये गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में आपको ये रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है? प्रतिपदा तिथि लगी हुई है और प्रतिपदा तिथि के बाद हम देखते हैं कि इसी तिथि को गोवर्धन पूजा को किया जाता है, क्योंकि फिर द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्यौहार आ जाएगा, है ना? तो प्रतिपदा इज फर्स्ट तिथि, तो गोवर्धन पूजा 16 नवंबर को मनाई गई। अब साथ ही गोवर्धन पूजा में हमें क्या करना है, हम आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप सभी ने अपने अहंकार को तोड़ना है। कहीं ना कहीं ये सोचना है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने इंद्र जी का अहंकार का मर्दन किया था गोवर्धन पर्वत को धारण करके, उन्होंने यही एक सबसे बड़ी सीख दी थी कि अहंकार को किस प्रकार से खत्म कर देना चाहिए। अगर आप अहंकार को खत्म नहीं करेंगे तो इसी प्रकार कोई सवा शेर आएगा और आपके अहंकार का मर्दन कर देगा और आपको सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए अहंकार का तो जो अंत है वो हमेशा ही दर्दनाक होता है। अहंकार का छेदन करेंगे, सबसे बड़ी पूजा आप गोवर्धन पूजा के दिन कर देंगे। साथ ही आप गोबर से, गाय के जो गोबर के उपले होते हैं उनसे पहाड़ बनाइएगा छोटा सा, यदि आप कर सकें तो। नहीं तो अपना दिल मैला मत कीजिएगा, कोई अपना दिल भारी मत कीजिएगा कि हम ये बना नहीं पाए। लेकिन विधि इस प्रकार की है कि जो मुहूर्त मैंने आपको दिया है उस मुहूर्त में गाय के गोबर के उपलों से उसको तोड़ के हल्का सा पानी मिक्स कर करके उसका छोटा सा पहाड़ बना लेंगे आप कृष्ण जी के आगे अपने मंदिर में थाली के ऊपर बना लीजिए और उसको बोल दीजिए कि ये गोवर्धन पर्वत है, ऐसा मान लीजिए। उस गोवर्धन पर्वत को जो आप बनाएंगे उसको आप थोड़ी सी मंदिर से हल्का सा थोड़ी दूर रख सकते हैं, क्योंकि हम उसकी परिक्रमा भी आपसे करवाएंगे। अब उसी गोवर्धन पर्वत पर जिस प्रकार व्रजवासियों ने भगवान श्री हरि कृष्ण के कहने पर पूजा की थी, एकदम सेम विधि से आपने पूजा करनी है। इसी टाइमिंग पे धूप दीप दीजिए,
दिया जलाइए घी का और गोवर्धन पर्वत को प्रणाम कीजिए, और ये जो कृष्ण जी की लीला है गोवर्धन धारण करने की, इसका गूगल से इसकी कथा को निकाल लीजिए और इस कथा को पढ़ के सुनाइए, नहीं तो भागवत के दशम स्कंद में गोवर्धन धारण की लीला का उल्लेख है, उसको निकालिए और निकाल करके उस कथा को पढ़ना है। उस कथा को पढ़ने के पश्चात आप लोगों ने जो भी स्पेशली मूंग की दाल पूड़ी और खीर ये ज़रूर बनाइएगा, ये बनाकर आपने उस गोवर्धन पर्वत को निवेदन करना है। छोटी छोटी गौएं साथ में रख लीजिए, गौएं खरीद के लाइए, गौएं रखिए गोवर्धन पर्वत के आसपास, और उसके बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जिस प्रकार आप शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं, वैसी गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाना है, उनको जल भी निवेदित करना है, और उसके पश्चात आपने सारे परिवार के लोगों ने उस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी है। तीन बार उनकी प्रदक्षिणा करने के पश्चात उनको मस्तक नवा के प्रणाम कीजिए, और जो भी भोग आपने उनको लगाया था वो सबको थोड़ा थोड़ा बांट कर भोजन कर लीजिए। और अगर आपने उस दिन व्रत रखा है तो और उत्तम, आप वो जो भी भोजन की सामग्री है उसको आप संभाल के रख सकते हैं कि आप अगले दिन उसको यूज़ कर लें पारण के समय, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। जिन्होंने गोवर्धन पूजा का व्रत रखा है ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, जिन्होंने नहीं रखा है वो उस समय शाम को पूजा के पश्चात उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हुई प्यारी सी गोवर्धन पूजा की विधि, जो इतने ही शब्दों में पूर्ण हो गई। इसमें आपने गोबर, गाय का गोबर होना चाहिए, उसी का उपला बनाना है, तो उसकी अभी से तैयारी कर लीजिए कि आपको वो कहाँ से मिलेगा, कैसे सुलभ होगा, ठीक है। पुष्प जरूर चढ़ाना, मिठाइयाँ खिलाना, प्रभु को निवेदित करना, और ये जो कहानी है गोवर्धन धारण की इसको पढ़ना, ये अपने आप में ही सारे स्तोत्र मंत्र इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद आरती कृष्ण जी की कर दीजिएगा, साथ में गोवर्धन जी की आरती भी प्रसिद्ध है, वो भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये होगी हमारी गोवर्धन पूजा की विधि। क्योंकि द्वितीय तिथि पड़ी नहीं रही है और 16 तारीख को जहाँ हमारी गोवर्धन पूजा थी, 17 तारीख को सीधा तृतीय तिथि लग रही है, तो भाई दूज का दिन हम कब मनाएं? जब भी इस प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कहा जाता है जो पिछला दिन है यानी कि भाई दूज, यानी वो द्वितीय तिथि में मनाई जाती है। अब द्वितीय तिथि और 16-17 में आ ही नहीं रही है, तो जो पिछली तिथि है यानी कि जो 16 तारीख है जिसमें हमने गोवर्धन पूजा करी, उसी ही तिथि को आप भाई दूज भी मनाएंगे। पूर्व तिथि के दिन आप मना लेते हैं, अगली तिथि पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप 16 तारीख को ही गोवर्धन पूजा भी है और 16 तारीख को ही आप भाई दूज का भी त्योहार मनाएंगे। अब 16 तारीख को जो आपने तिलक करना है अपने भाइयों को, अपने भ्राताओं को, उसका जो मुहूर्त है वो है आपका दोपहर 1:25 से 3:25 तक, ये मुहूर्त निकल कर आ रहा है तिलक का। जो भाई दूज में तिलक करती हैं बहनें अपने भ्राताओं को, फिर मौली बांधती हैं, उनकी मंगल कामना करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, और भाइयों का भी फर्ज बनता है कि जब बहनें तिलक करें तो उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि जो बहनें होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपिणी होती हैं और उनका आशीर्वाद आपको कई विघ्नों से बचा लेता है। तो इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेने के बाद आप भाइयों की आरती उतार सकती हैं, और उनको फिर आप लड्डू या जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, ये जो अपने हाथ से अपने खाना बनाया हो वो आप उनको खिला सकती हैं। तो ये हुई भाई दूज की, तो सिंपल सी विधि है, सभी जानते हैं, और भाइयों की मंगल कामना आप सभी स्त्रियों ने करनी है अपने भाइयों की, और भाइयों का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहनों को शगुन दें, क्योंकि कभी भी बहन बेटियों को खाली हाथ नहीं छोड़ा जाता। और ऐसे मंगल अवसर पर जब वो आपके लिए मंगल कामना कर रही हैं तो प्रेम रूप में कोई उपहार, जरूरी नहीं है धन ही देना है, आप कोई उपहार भी उन्हें दे सकते हैं, ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि आपको ज़्यादा देना है, पर जितनी आपके सामर्थ्य उस हिसाब से कोई ना कोई उपहार अपनी बहनों को आपने अवश्य देना है। ये भाई दूज की सिंपल सी विधि है, ये 16 November 2020 को ही बनाई जाएगी। जिस दिन गोवर्धन पूजा है उसी दिन भाई दूज भी मनाया जाएगा। इस दिन यमराज जी और यमी जी, जिनको आप यमुना जी भी कह सकते हैं, उनकी कथा का बहुत महत्व है, जो आप अपनी पूजा में सम्मिलित कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के इस प्रसंग से भाई दूज की ये प्रथा चल पड़ी है। होता ये था कि यमराज जी अपने कार्य में बड़े व्यस्त रहते थे, आप तो जानते ही हैं, उनको दंड भी देना होता है, पुण्यों और पापों का पूरा उल्लेख मेंटेन करना होता है, तो वो बड़े बिजी रहते थे अपने कार्य में, और इसीलिए अपनी बहन जिनसे वो बहुत स्नेह करते थे यमी जी, उनसे ज़्यादा मिलने नहीं जा पाते थे।
एक दिन अकस्मात बहुत समय के बाद वो इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अचानक से सरप्राइज देने के लिए यमी जी के पास पहुंच गए और यमी जी बहुत प्रसन्न हो गई, यमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई, यमी और यमुना जी एक ही बात है, वो बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनका तिलक अक्षत से और रोली से और उनकी आरती उतार कर उनको भोजन कराकर उनका बहुत सम्मान दिया और यमदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला कि बहन तुमने इतने प्रेम से मेरा स्वागत किया है, बताओ मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। तो उन्होंने उनसे यही वर मांगा कि भैया जैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप मुझसे मिलने नहीं आ पाते, मुझे आपकी बहुत याद भी आती है, तो प्रतिवर्ष इसी तिथि को जो मैंने आपको बताया कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो आज आप मेरे पास अकस्मात आ गए और मुझे सरप्राइज कर दिया, वैसे ही हर साल आप इसी तिथि को मेरे पास आएंगे और मैं यूं ही आपका स्वागत सत्कार करूंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आप बिजी भी पूरे वर्ष रहेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि आप मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे, मुझे आपकी याद बहुत आती है। तो एक दिन जो आज का आप आ गए इसी तिथि को नियत कर लीजिए कि प्रतिवर्ष आप इसी तिथि मुझसे मिलने के लिए आएंगे। यमराज जी ने तथास्तु कह दिया और तब से चल पड़ी भाई दूज की ये प्रथा जो धीरे धीरे पृथ्वी लोक के विभिन्न लोग भी मनाने लग गए और इसी प्रकार पंच महोत्सवों में से ये पांचवा महोत्सव भैया दूज हमारे महोत्सवों में ऐड हो गया है। तो इसीलिए हम मनाते हैं भाई दूज और इसीलिए इसी दिन हम तिलक करते हैं अपने भाइयों को। तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया कब तिलक करना है, यम यमी जी के इस प्रसंग को आपने जरूर बोलना है तिलक करने से पहले। तिलक को थाली में सजाइएगा, उसमें दीप जला दीजिएगा जिससे आपने अपने भाई की आरती उतारनी है और उसके बाद अपने भाई के सामने, आपके सामने मंदिर भी होगा, वहाँ पे इस कथा को बोलिए और बोलने के बाद इस कथा को कृष्ण जी को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के पश्चात अपने अपने भाई को ये तिलक लगाना है और बोलना है कि इस तिथि को आपने हर साल मुझे ब्लेस करने आना है और मैं आपको यूं ही सत्कार करूंगी और मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आपका कार्य हमेशा वृद्धि पे जाए और आप बहुत सारे विघ्नों और संकटों से बच जाएं। और इसी प्रकार भाई का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन को कोई उपहार दे और इस प्रकार से इस प्रेम संबंध को और गाढ़ा करते चले जाएं और हमेशा उसकी रक्षा करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पंच महोत्सव पूर्ण हुए श्रोतागणों। मैंने सारा लॉजिकली आपको समझा दिया है जिससे संदेह के लिए कोई भी अवसर अब नहीं रहता है। तो बिल्कुल भी ये देख के कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कब परफॉर्म कर रहे हैं हम भी तभी कर लें, ऐसे नहीं करना। तिथि के हिसाब से जब परफॉर्म करना है तभी आप अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको लॉजिकली सारी चीजें बताई हैं। द्वितीया तिथि नहीं पड़ रही है 16 और 17 के बीच में, इसीलिए पिछले दिन दैट इज 16 को मनाई जाएगी भाई दूज, गोवर्धन पूजा के दिन ही। अगर वो 17 तारीख को पड़ती तो हम 17 को बनाते, लेकिन 17 को सीधा तृतीया तिथि पड़ गई तो द्वितीया का क्षय हो गया, ठीक है। अमावस्या का क्षय तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए जो मैंने दिवाली की तिथि बताई वो दिवाली 15 को मनाई जाएगी, उसके बाद आपका 16 को ये वाले दो त्योहार मनाए जाएंगे और इसके साथ आपके पंच महोत्सव पूर्ण हो जाएंगे। तो अभी से आप सबको पंच महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और आप सभी के जीवन में बहुत मंगल हो, रोग खत्म हो, दुश्मनी खत्म हो, कर्जा खत्म हो, लक्ष्मी बढ़े और साथ ही बुद्धिमत्ता और होश के साथ उस लक्ष्मी को उपयोग करना आप सीखें और औरों की भी मदद करें और स्वयं भी खुश रहें। धन्यवाद।